अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं फारूक मकबूल शादी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी सोलापुर शहर व जिले का सदर। मैं तमाम उम्मत मोहम्मदिया से गुजारिश करने के लिए आप लोगों के दरमियान आया हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, ये जो दो पोपट बहुत बात कर रहे थे, नूपुर शर्मा और नवीन जिंदाल, जिन्होंने हमारे नबी प्यारे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, इन लोगों को आज तक देश के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग संगठनों ने मांग की थी इनकी गिरफ्तारी की, लेकिन आज तक इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो हम लोग भी उसी मांग को आगे बढ़ाते हुए, वही मांग करने के लिए हम लोग बरोज जुम्मा को 10 जून 2022 को जुम्मा नमाज बाद ठीक 2:30 बजे MIM ऑफिस शाहजहूर दरगाह के सामने, वहां से एक पैदल मोर्चा निकालने वाले हैं जो कि जिलाधिकारी कार्यालय तक जाएगा। तो मैं तमाम उम्मत मोहम्मदिया से, तमाम उन लोगों से जिनके दिलों में हमारे नबी के लिए मोहब्बत है, उन तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं कि इस दिन आए और कसीर तादाद में आकर इस प्रोग्राम को कामयाब करें। मैं और आगे ये भी एक आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये एक नॉन पॉलिटिकल प्रोग्राम होगा। इस प्रोग्राम में हम लोग किसी भी किस्म के कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के झंडे वगैरह कुछ नहीं लेकर जाएंगे। तो इसीलिए मैं दूसरी पार्टियों के भी जो जिम्मेदार लीडर्स हैं हमारे, उनसे भी ये गुजारिश कर रहा हूं कि वो भी अपने ग्रुप के साथ, अपनी पार्टी के लोगों के साथ इसमें शरीक हो। मैं साथ ही साथ तमाम मसलक के उलेमाए कराम से भी ये अदबन गुजारिश करूंगा कि आप लोगों की सरपरस्ती हम लोगों के लिए बहुत मायने रखती है, तो आप लोग भी, तमाम मसलक के जितने भी उलेमाए कराम है, आप लोग भी इसमें शरीक रहे। मैं हमारी पर्दा नशीन माँ बहनों से भी ये गुजारिश करना चाहूंगा कि आपकी आवाज भी बहुत मायने रखती है हमारे लिए, हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करने वालों को सजा दिलाने के लिए आप लोगों की भी आवाज हम लोगों को चाहिए। तो आप भी इस मोर्चे में शरीक रहे ताकि हम सब एक मैसेज भेज सके कि हम भले ही बटे हुए हैं, हम अलग अलग राजकीय पार्टी में हैं, अलग अलग मसलक से बिलोंग करते हैं, लेकिन अगर कोई गुस्ताख हमारे रसूल की शान में गुस्ताखी करेगा तो हम सब एक हैं। हम सारी चीजों को भूलकर हम उन गुस्ताखों को सजा दिलाने के लिए जो मुमकिन हो सके वो करेंगे। तो फिर से मैं एक बार आप लोगों को बोल रहा हूं, जुम्मा के दिन भूलना नहीं है भाइयों। जो भी लोग इस मैसेज को सुन रहे हैं, देख रहे हैं या आपको पता भी चल रहा है, तो आप लोग अपने साथ तमाम लोगों को लेकर आइए। ये सोचिए कि हम लोगों को गुस्ताखे रसूलों को उनकी सजा दिलाना है, और हम लोग हमारे दिलों में हमारे नबी की मोहब्बत जो है उसका एक मुजाहिरा करने का ही हम लोगों को मौका मिला है। तो कसीर तादाद में आप लोग आइए। मैं हमारे हिंदू भाइयों से भी ये गुजारिश करता हूँ जो कि अमन पसंद लोग हैं, जो शांति को लाइक करते हैं, अमन को पसंद करते हैं, उन लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा कि आप भी हमारे साथ शरीक होइए ताकि हमारी आवाज में और ताकत आए और लोगों को पता चले कि किसी भी शख्स को, किसी भी पार्टी का हो, कोई भी शख्स हो, किसी भी धर्म के सेंटीमेंट्स को दुखाने की उसको इजाजत नहीं है। तो मैं इसी उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग कसीर तादाद में ज्यादा से ज्यादा लोग, तमाम अपने ग्रुप्स के साथ हर तबके के लोग इस मोर्चे में शरीक होकर इस मोर्चे को कामयाब करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल महाराष्ट्र की आवाज को, और ताज़ा खबरें पाने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस